हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। चलिए, अब ये जो डेटा है उसको सेव करवाना है हमें एड रिजल्ट मॉडल में। तो चलिए, मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे एक एडमिन पैनल को ओपन करना पड़ेगा। तो ऐसा करूँगा, एक न्यू इग्निटो टैब लूँगा और उसमें ये, चलिए मैं यहाँ पर न्यू इग्निटो विंडो, यहाँ पर मैं HOD से लॉग इन करूँगा। तो HOD का था admin@gmail.com और ये पासवर्ड। तो चलिए, अब मैं यहाँ से एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये रहा एडमिन, और यहाँ पर शायद मैंने इसको रजिस्टर नहीं करवाया। चलिए, इसको रजिस्टर कर देते हैं सबसे पहले। तो ये जो मॉडल है, मॉडल हमने क्रिएट किया था रिजल्ट वाला, स्टूडेंट रिजल्ट। तो चलिए, इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पर आएंगे एडमिन में और यहाँ पर उसको रजिस्टर कराएंगे, admin.site.register। हमें रजिस्टर कराना है स्टूडेंट रिजल्ट को। तो चलिए, अब यहाँ पर हमें दिखने लगेगा स्टूडेंट रिजल्ट मॉडल। तो ये रहा स्टूडेंट रिजल्ट मॉडल। अभी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। तो ये जो सारा डेटा है उसको हमें फिल करवाना है ये स्टूडेंट रिजल्ट मॉडल में। तो चलिए, वो हम कैसे कराएंगे। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट मिल रहा है, सेशन ईयर आईडी मिल रही है, स्टूडेंट क्या स्टूडेंट जो है उसका नाम मिल रहा है, यहाँ पर मार्क हमें फिल कर लिए। अब जैसे ही हम एड रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो जाएगी एक और URL पर, और वो URL पर हम ये सारे डेटा को गेट करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, तो चलिए सबसे पहले तो हमें एक URL क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए, अब हम आएंगे urls.py में और यहाँ पर हम एक रिजल्ट, एक URL क्रिएट करेंगे। तो चलिए, वो URL का नाम क्या रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाथ, फिर यहाँ पर लिखेंगे स्टाफ स्लैश सेव रिजल्ट। इसके फंक्शन को भी स्टाफ व्यूज में क्रिएट करेंगे, डॉट स्टाफ सेव रिजल्ट, और उसका नाम रखेंगे स्टाफ अंडरस्कोर सेव रिजल्ट। चलिए, अब ये फंक्शन को भी क्रिएट करना पड़ेगा स्टाफ व्यूज में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट रिटर्न, अभी नन ही रखेंगे, बाद में इसको हमें रिडायरेक्ट कराना है। तो चलिए, ये URL क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर ये फॉर्म देखते हैं। तो ये फॉर्म में क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो है सेशन ईयर की आईडी है, स्टूडेंट की आईडी है, फिर यहाँ पर असाइनमेंट मार्क है, एग्जाम मार्क है, यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी है, और ये सारा डेटा यहाँ पर सबमिट करेंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो इसका जो एक्शन होगा वो कहाँ पर होगा। तो ये रहा फॉर्म, हमें एक्शन अभी ब्लैंक रखा था, तो वो एक्शन होगा, अभी हमने जो URL क्रिएट किया है वहां पर इसका एक्शन होगा। तो URL का नाम क्या है, तो URL का नाम है स्टाफ सेव रिजल्ट। तो यहां पर उसका एक्शन होना चाहिए, ये जो सारी पोस्ट रिक्वेस्ट है वो जाएगी स्टाफ सेव रिजल्ट पर। तो चलिए देख लेते हैं, इसको करेंगे एक बार रिफ्रेश कंटिन्यू, और यहां पर मैं मार्क्स को फिल कर लेता हूँ एड रिजल्ट। तो यहां पर क्या आया, स्टाफ सेव रिजल्ट। अभी यहां पर ये एरर मिल रही है, तो एरर इसलिए मिल रही है क्योंकि अभी यहां पर रिटर्न नन है। तो ये जो सारी पोस्ट रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर आनी चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो हमने पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड किया उसको हमें यहाँ पर गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट है यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर क्या क्या मिला है हमें, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट की आईडी, सब्जेक्ट की आईडी के बाद है यहाँ पर सेशन ईयर आईडी, चलिए उसके बाद है स्टूडेंट की आईडी, फिर यहाँ पर है असाइनमेंट मार्क और एग्जाम मार्क। ये रहा असाइनमेंट मार्क और यहाँ पर है एग्जाम मार्क।
चलिए ये सारी जो पोस्ट रिक्वेस्ट है उसको गेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। चलिए सब्जेक्ट आईडी, सेशन ईयर आईडी, स्टूडेंट आईडी, असाइनमेंट मार्क एंड एग्जाम मार्क। तो ये सारी पोस्ट रिक्वेस्ट हमें यहाँ पर मिल गई। ये जो सारा डेटा था फॉर्म का वो हमें यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर एक दिक्कत है, ये जो सब्जेक्ट और सेशन ईयर है उसमें आईडी है, तो उससे हमें यहाँ पर सब्जेक्ट और सेशन ईयर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गेट, तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट गेट करना पड़ेगा, स्टूडेंट के भी आईडी है, तो यहाँ पर गेट स्टूडेंट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट मॉडल, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, और गेट करेंगे एडमिन इज इक्वल्स टू स्टूडेंट आईडी। चलिए स्टूडेंट मिल गया हमें, अब यहाँ पर सब्जेक्ट को भी गेट करना पड़ेगा, तो गेट सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट। यहाँ पर हम लिखेंगे आईडी इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट आईडी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आईडी मिल गई। अब यहाँ पर हमें एक कंडीशन लगानी है, तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे चेक एग्जिस्ट चेक एग्जिस्ट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट रिजल्ट। ओके, यहाँ पर हमें मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये रहा मॉडल स्टूडेंट रिजल्ट, और इसको हमें टॉप में इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो ये हमने इसको कर लिया इंपोर्ट, अब इसका यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट रिजल्ट इज इक्वल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर। चलिए यहाँ पर हम क्या फिल्टर कराएंगे, तो यहाँ पर फिल्टर कराएंगे सब्जेक्ट आईडी इज इक्वल टू गेट सब्जेक्ट इज इक्वल टू गेट सब्जेक्ट, और यहाँ पर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू गेट स्टूडेंट। गेट स्टूडेंट डॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पर हमें एक यहाँ पर हमने चेक करवाया है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो ये वाला जो इफ है वो काम करना चाहिए, और यहाँ पर हमें कंडीशन लगाएंगे इफ चेक एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है तभी ये फंक्शन काम करना चाहिए। अभी मैं पास कर लेता हूँ, और एल्स अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हमें फिल्टर करवाया सब्जेक्ट आईडी इज इक्वल टू गेट सब्जेक्ट, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू गेट स्टूडेंट, अगर वो मिलता है तभी हम यहाँ पर वो एग्जीक्यूट कराएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू स्टूडेंट रिजल्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट। यहाँ पर हम गेट कराएंगे सब्जेक्ट आईडी इज इक्वल टू गेट सब्जेक्ट, गेट सब्जेक्ट, एंड स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू गेट स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट। अब यहां पर सारी चीजों को हमें सेव करवाना है, तो यहां पर रिजल्ट डॉट सब्जेक्ट असाइनमेंट। तो चलिए देखते हैं मॉडल में हमने क्या लिखा हुआ है, तो असाइनमेंट मार्क लिखा हुआ है हमने, तो यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट डॉट सब्जेक्ट सब्जेक्ट मार्क इज इक्वल टू सब्जेक्ट मार्क, तो ये सब्जेक्ट मार्क आ जाएगा, और सब्जेक्ट मार्क्स के बाद है एग्जाम मार्क।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिजल्ट डॉट, मॉडल में हमने क्या लिखा है, तो एग्जाम मार्क। तो एग्जाम मार्क इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, एग्जाम मार्क। तो यहाँ पर हमें एग्जाम मार्क मिल जाएगा। ये सारी चीजें हम मिल जाने के बाद रिजल्ट को करा देना है हमें सेव। तो रिजल्ट को हमने करा दिया सेव। सेव हो जाने के बाद एक सक्सेस मैसेज भी शो करवाना है, तो मैसेज डॉट सक्सेस रिक्वेस्ट, और यहाँ पर मैसेज क्या करवाना है, तो सक्सेसफुली अपडेटेड रिजल्ट या सक्सेसफुली एड रिजल्ट। और ये सेव हो जाने के बाद इसको रिडायरेक्ट भी कराना है, तो इसको रिडायरेक्ट क्या कराएंगे, तो रिडायरेक्ट वापस कराएंगे। चलिए देख लेते हैं यूआरएल में हमने क्या लिखा था, स्टाफ एड रिजल्ट पर। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो ये वाला जो जो रिजल्ट है वो सेव हो जाएगा, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तब क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इज इक्वल टू स्टूडेंट रिजल्ट डॉट, स्टूडेंट रिजल्ट में हमें क्या क्या सेव करवाना है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू केट स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट, सब्जेक्ट आईडी इज इक्वल्स टू गेट सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट एग्जाम मार्क इज इक्वल टू एग्जाम मार्क। चलिए देख लेते हैं, मॉडल में हमने एग्जाम मार्क लिखा है, एग्जाम मार्क इज इक्वल्स टू एग्जाम मार्क, एंड सब्जेक्ट असाइनमेंट मार्क इज इक्वल्स टू असाइनमेंट मार्क। चलिए ये सारी चीजें हो जाने के बाद रिजल्ट को हमें कर देना है सेव। तो ये सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद इसको हमें मैसेज भी शो करवाना है। तो ओके, यहां पर एक चीज है जो मुझे गलती हो गई मेरे से, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई है, अगर रिजल्ट पहले जो सब्जेक्ट और स्टूडेंट पहले से ही है तो वो डेटा अपडेट हो जाना चाहिए, अगर वो स्टूडेंट और सब्जेक्ट पहले नहीं है तब ये डेटा नया क्रिएट होना चाहिए, यानी कि ये अपडेट नहीं होगा, ये नया क्रिएट हो गया। अगर सब्जेक्ट और स्टूडेंट आईडी पहले से ही एग्जिस्ट करती है तब ये डेटा अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा रिजल्ट आर सक्सेसफुली अपडेटेड। एंड यहाँ पर रिजल्ट सेव एंड मैसेजेस डॉट सक्सेस रिक्वेस्ट, और मैसेज लिखेंगे रिजल्ट आर सक्सेसफुली एडेड। और इसको हमें बाद में रिडायरेक्ट भी कराना है, तो रिटर्न रिडायरेक्ट 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 कराएंगे स्टाफ एड रिजल्ट पर। तो चलिए ये सारी चीजें हो गई, अगर पहले से ही सब्जेक्ट और स्टूडेंट आईडी पहले से ही हमें मिल जाता है तब ये डेटा अपडेट होना चाहिए, अगर डेटा पहले से एग्जिस्ट नहीं करता
तो ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और न्यू डेटा क्रिएट हो जाएगा। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं ये वर्क करता है या नहीं। कंटिन्यू किया तो ये फिर से यहाँ पर आ गया, स्टूडेंट आर सक्सेसफुली एडेड। चलिए देखते हैं ये डेटा मॉडल में सेव हुआ है या नहीं। तो ये सारा डेटा मॉडल में भी आ गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट का नाम है देव और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए इसको अपडेट करके भी देख लेते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये देव डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम असाइनमेंट 30, ये है 10, एड रिजल्ट। तो ये इस बार डेटा अपडेट हो गया, अपडेट हो गया क्योंकि ये पहले से ही डेटा एग्जिस्ट करता था, तो ये डेटा अपडेट हो गया। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या चेंज हुआ है। तो ये 13 और 10, न्यू डेटा अभी क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि ये डेटा हमें अपडेट कर दिया, पहले से ही एग्जिस्ट करता था तो उसको हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया। अगर वो डेट, वो स्टूडेंट और सब्जेक्ट पहले एग्जिस्ट नहीं करते तब वो न्यू डेटा क्रिएट करेगा, अगर करते हैं तो वो डेटा अपडेट कर देगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।